दिव्य गुणधारी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, क्योंकि महान है तो जरूर पूज्य होंगे, लेकिन वो पूज्य बने कैसे? दिव्य गुणों के कारण देवता कहलाए जाते हैं ना। असुर कहा जाता है तो असुर सचमुच कोई ऐसे भयानक थोड़ी होते हैं, दांत ऐसे वो जो जैसे दिखाते हैं, लेकिन है तो असुर भी मनुष्य तो देवताएं भी मनुष्य हैं, लेकिन वो दिव्य गुणधारी हैं तो उसको देवता कहा जाता है। और जो आसुरी गुणधारी है, आसुरी गुणों को तो आप जानते ही हैं और दिव्य गुणों को भी आप जानते हैं, तो दिव्य गुण वाला देवता, आसुरी गुण वाला असुर है, दोनों ही मनुष्य ही। तो हमको आज ये सोचना है, तो वो दिव्य गुण दिव्यता हमारे में कैसे आए? हर एक को अपना सोचना है ना, जीवन का कल्याण अपना करना है ना। और हम अगर अपने जीवन का कल्याण करते हैं तो दूसरों को ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन पहुंचता है, वायुमंडल होता है ना। अभी देखो आप यहाँ आए हो तो आपको ये वायुमंडल एक न्यारा लगता है ना, लगता है, लगता है, तो वायुमंडल का प्रभाव है ना। अभी क्लब में जाएंगे उसका वातावरण वायुमंडल, और मंदिर में जाएंगे कितना फर्क होता है। तो अगर मैं अपने में दिव्यता धारण करती हूँ, करता हूँ, तो उसका वायुमंडल दूसरे तरफ सुते ही जाता है। जैसे सूर्य निकलता है तो उसका प्रकाश सुते ही फैलता है। ऐसे हमारे जीवन में अगर दिव्यता का सूर्य उदय हो जाए तो हमारा वायुमंडल प्रकाश में जरूर, प्रकाश वायुमंडल में फैलेगा। जैसे यहाँ आप अनुभव कर रहे हो ना, क्यों वायुमंडल अच्छा लगता है? क्यों? यहाँ सब दिव्य गुण धारण करके अपने को देवता बना रहे। तो आप सभी भी यहाँ आए हो ना, तो परमपिता परमात्मा की या हम सब बहनों की, आप सब जो भी जितने भी आए हो, बहने आई है, भाई आए हैं, तो हम सब की आप भाइयों में बहनों में एक बहुत श्रेष्ठ आशा है। कौन सी आशा है? कि आप आए हो यहाँ मेहमान हो करके। अभी तो मेहमान नहीं हो, आप तो होस्ट हो, गेस्ट नहीं हो। मेहमान बन के थोड़े दिनों के लिए आए हैं, इसलिए मेहमान कहा जाता है। लेकिन आप एक एक इस वायुमंडल के प्रभाव से और ज्ञान योग के अभ्यास से इतना जरूर बदल के जाओ जो सब समझे कि इनमें परिवर्तन है। कुछ क्या ये परिवर्तन हो सकता है इतने थोड़े दिनों में? हो सकता है, हो सकता है, हाँ माताएं, हो सकता है, हो सकता है ना। तो परमपिता परमात्मा द्वारा आपको बहुत 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 आशीर्वाद मिलती रहेंगी, आपको मुश्किलात नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ आप आए हो ना, तो आप आत्माओं का कनेक्शन परमात्मा से
कैसे जुट जाए उसकी विधि तो सीखा है, सीखी है ना विधि। वो मन की तार आत्मा और परमात्मा को मिलाती है ना। तो आप अपने में दूसरे को नहीं देखो। हमने देखा है आजकल मेजॉरिटी मनुष्य जो है ना, वो दिल शिकस्त अपने को जानबूझ के कर देते हैं। जो भी बात बताएंगे ना तो कहेंगे मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, अभी सारी दुनिया तो ऐसी है, मैं एक बदलूँगा तो हमको क्या होगा, उसे क्या होगा। एक क्राइस्ट आया, एक बुद्ध डिवाइन फादर बुद्ध आया, उसने क्या एक ने बोधि धर्म नहीं स्थापन किया, क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म नहीं स्थापन किया। हमारे भारत के बापू गांधी जी को देखो, चाहे कितना भी सहन किया और साथ में भी दिया साथियों ने, लेकिन संकल्प तो एक का था कि मैं भारत को स्वतंत्र करूंगा, चाहे उसमें कुछ भी हो, लेकिन दृढ़ संकल्प किया। तो जहां दृढ़ता है वहां सफलता है।